सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली, देखते हैं जबलपुर की दो बड़ी खबरें। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने सब इंस्पेक्टर को 25,000 की रिश्वत लेते लगे हाथ पकड़ा। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ख्वाजा गरीब नवाज का और से मुबारक। अब खबरें विस्तार से। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने सब इंस्पेक्टर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते लगे हाथ पकड़ा। मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में लोकायुक्त की टीम ने बेलबाग थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि कुमारी दुर्गा चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बेलबाग थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अनुरागी द्वारा आरोपी नहीं बनाए जाने को लेकर उनसे 30,000 रुपए की मांग की जा रही है, जिस पर लोकायुक्त की टीम द्वारा आरोपी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। दुर्गा चौधरी हैं, जो डायनेमिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में कपड़े का व्यवसाय जो इंटरनेट के माध्यम से होता है उसको व्यवसाय करती हैं। इनके कंपनी के दो शख्स पूर्व में गिरफ्तार हुए थे 420-467 के मामले थाना बेलबाग में, और चूंकि उसी कंपनी में ये लड़कियां भी काम करती हैं तो इस लड़की को इस बात के लिए थाना बेलबाग के सब इंस्पेक्टर राम सुहागन अनुरागी ने आरोपी ना बनाने के एवज में 35,000-30,000 रुपये नकद की मांग की थी। इसकी शिकायत श्री कुमारी चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू को लोकायुक्त में अपने कार्यालय में की थी। इसका सत्यापन निरीक्षक स्वप्न दास के माध्यम से कराया गया और इस सत्यापन के उपरांत आज दिनांक 10/2/2022 को श्री अनुरागी सब इंस्पेक्टर थाना बेलबाग को 25,000 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए डुमना नेचर पार्क में पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। कुछ अश्लील बातों की भी बुलाई गया है, कुछ और मामला भी इसमें सामने आ रहा है, ये कहना गलत है। चूंकि रिश्वत देने के लिए जहां आरोपी बुलाता है वहां हमारी पार्टी उस तरीके से मूव करती है। रिश्वत के अलावा बता रहे हैं कि कोई और आरोपी की द्वारा मांग की जा रही थी। अभी कोई ऐसी तथ्य सामने नहीं आया है, अगर आएगा तो बाद में प्रकाश में देखा जाएगा। कब से ये जान इनकी पहचान हुई है कुछ बता पाएंगे? नहीं, ये तो प्रकरण की विचारणा के दौरान ही जान पहचान हुई होगी। उन्होंने अपने पास शिकायत की, उसे सत्यापन किया। चूंकि अपने विभाग द्वारा अपनी शाखा द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम की तहत कार्रवाई की जाती है, उस परिधि में ये अपराध आता है, इसलिए कार्रवाई की गई। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ख्वाजा गरीब नवाज का नौवीं का कुल। मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 110वें उर्स मुबारक के मौके पर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडी मदार टेगरी महरिया राजा चौक रद्दी चौकी बहुरा बाग जैसे कई जगहों पर ख्वाजा के चाहने वालों ने लंगर का एहतमाम किया। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। जसमा उर्स है सरकार गरीब नवाज, हमेशा से एक चीज सुनते आते थे बचपने से, और काफी हर चीज में जिक्र है कि हमारा देश साधु संत और सूफियों का देश है, सूफियों का देश है। और आज मैं ये काली चाय जो बांट रहा हूँ, मैं ये तबर्रुक के तौर पे मैं ये दुआ करना चाहता हूँ अल्लाह तबारक ताला से
कि मेरे भारत में जो भी दुख तकलीफ बीमारियां जो भी आपदा है वो आज इस उर्स के मौके पर ये गायब हो जाए। मैं तमाम हिंदुस्तान में रहने वालों को गरीब नवाज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जायरीनों का जो गए हैं ज़ियारत करने, और मैं संस्कारधानी जबलपुर का रहने वाला हूँ, मैं एक छोटा सा मैं एक गरीब नवाज का सेवक हूँ। मेरा नाम नफीस कुरैशी है। आज सरकार गरीब नवाज के 810वें उर्स के मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस साल भी आज़ाद नगर मोहरिया हुसैनिया नौजवान एकता कमेटी की जानिब से लंगर का अहतमाम किया गया है, जिसमें हम सभी कमेटी के लोग शामिल हैं इसमें। और सरकार गरीब नवाज का ये उर्स हम लोग अपने क्षेत्र में लगभग 18 से 20 सालों से मनाते हैं। हुसैनी आजम मंसूरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज उर्स गरीब नवाज के मुबारक मौके पर सरकार गरीब नवाज का ये 810 साल उर्स मुबारक जो है बड़े धूमधाम से हमारे जबलपुर शहर संस्कारधानी मनाया जा रहा है, जिसकी आज पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बड़ी धूमधाम है और पूरी रात से जो है नौजवान बच्चे जो है खुशियाँ मना रहे हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर व न्याज की जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे अम्बेडकर नगर जो है रोड पर जो है अम्बेडकर नगर के तमाम साथियों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने मिलकर जो है उर्स गरीब नवाज का 810 साल उर्स मनाया, जिस सिलसिले में यहाँ पर लंगर वगैरह तकसीम किया जा रहा है। और तमाम जबलपुर संस्कारधानी के लोगों को मैं सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी से ये गुजारिश है कि इस पर्व को बड़ी मोहब्बत के साथ धूमधाम के साथ मनाएं कि मेरे गरीब नवाज का आस्थाना वो मुबारक आस्थाना है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जो है हाजिर होते हैं और अपनी दिल की मन की मुरादें जो है पाते हैं। मोहम्मद जावेद अत्तारी, अम्बेडकर नगर।